नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। और मेरे साथ है ज्योतिष की कई विद्याओं और शक्ति साधना के जानकार महंत त्रिलोकीनाथ जी महाराज। महंत जी शक्ति विद्या के जानकार हैं और कांवड़िया सेना संगठन के संचालक हैं। देश भर में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देश में आम चुनाव आने वाले हैं, भारत विश्व गुरु कहा जाता है, देश हर मामले में तरक्की कर रहा है। जिस कश्मीर में कभी खौफ का मंजर हुआ करता था, आज वहां विकास की गंगा बह रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर की धरती पर भव्य स्वागत हुआ है। शिवरात्रि का माहौल है तो एक बार पंडित जी के साथ हम लोग मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जैसे हमारे आपके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का असर होता है, वैसे ही हर देश की भी कुंडली होती है। देश समाज की खुशहाली पर उसकी ग्रह दशा असर डालती है। ज्योतिष विद्या के जरिए व्यक्ति ही नहीं देश समाज के वर्तमान, भूत और भविष्य की गणना की जा सकती है। तो हम बिना देर किए हुए जानते हैं महंत त्रिलोकीनाथ जी महाराज से कि क्या है इस वक्त देश की कुंडली, क्या कह रही है। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद श्रेष्ठ भारत को, बाबा विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी, आदिशक्ति का कृपा सभी देशवासियों को हो और आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंत जी इस समय देश का गोचर कैसा चल रहा है, आने वाले समय में आप देश के ग्रह नक्षत्रों से क्या गणना कर पा रहे हैं? देश के ग्रह नक्षत्र जो है, जैसे आपने बताया, और उससे पहले ही ये जो मौसम चेंज होने का कारण है, दूसरा जो प्रभाव है वो इस समय अस्वस्थ, देश के जनता को ये जागरूक होके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ होने का कारण यही है कि वो सुबह जाग नहीं पाते और ब्रह्म मुहूर्त में जब तक जागेंगे नहीं तो इस ग्रह से बचेंगे। तो आपके हिसाब से कितने बजे सुबह उठकर जल चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा? 4 से 6 बजे के बीच में अगर सूर्य जल देशवासी दे देते हैं तो निरोग का उनका शरीर रहेगा और उनका निवेदन जो उनका कार्य है वो पूरा होगा। पंडित जी क्या टाइम थोड़ा बढ़ाया जा सकता है? ये कोई वो नहीं है कि चैनल नहीं है या कोई व्यापार नहीं है कि उसको पैसा देके बढ़ा सकते। नहीं, जैसे 4 से 6 आपने बताया बेहतरीन समय है, लेकिन ये वो एक मुहूर्त है और कभी भी धार्मिक व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी इस वक्त सुन रहे हैं कि मंगल, राहु और शनि तीनों एक ग्रह में हैं और इससे पूरे विश्व में लोगों को बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आज से शनि अस्त हुआ है, तो पहली बात किस तरह की दिक्कतें आ रही थी और अब आपको लग रहा है कि इससे कुछ राहत मिलेगी? शनि देश का प्रधान है, शनि राजा है, शनि उसी को दुखी करता है जो व्यक्ति शाकाहारी नहीं है, जो व्यक्ति मदिरा पान का करता है वह व्यक्ति हमेशा शनि के अटैचमेंट में रहता है, इसलिए शनि से बचना है तो शुद्ध शाकाहारी बनो। शनि ऐसे ग्रह हैं पंडित जी की बहुत देते भी हैं और कई बार जब परेशान करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यही बात मैंने बोला, शनि राजा है और शनि हमेशा जिसके परिवार में जाता है राजयोग दिलाता है, तो शनि के दृष्टि में अच्छा दृष्टि के तौर पे जाओगे, शरणागत में जाओगे तो शनि की प्राप्ति होगी अच्छे भाव से। अगर आप बुरे भाव का कर्म करते हो बुरे भाव से जाओगे तो आपको दंडनीय है, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। अब आप देख ही रहे हैं इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ ये चुनावी बिगुल बज चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा? इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, अब की बार 400 पार यह देश की जनता कर रही है। विपक्ष पार्टियों को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। हम जैसे लोगों से आप अगर पूछ रहे हैं, धार्मिक लोगों से, सनातनमय विचारधारा से, रामलला मंदिर निर्माण होने के बाद सभी सनातन परिवार ने संकल्प ले लिया कि अब की बार 400 पार। अच्छा, तो यानी आप भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्यों लेकिन आपको लग रहा है अब की बार 400 पार? राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद आप लोगों को और ज्यादा, जैसे हमने इसके पहले भी किसी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या यही सबसे बड़ा कारण है? राम को कोई लाया नहीं है, यह भी गलत शब्द कोई यूज करता है चैनल पे तो मैं उससे कहता हूँ माफी मांग ले। रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ योगी जी ने जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से सिर्फ अयोध्या का दौरा किया,
और अयोध्या के दौरा करने के बाद यह तय कर लिया कि अब इसको रामलला मंदिर को भव्य बनवाना है। और वह चीज़ जब पूर्ण हो गया तो आप बताओ, आप कोई भी किसी भी छोटा भी व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति अगर अच्छा काम करता तो उसे ग्रेड मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है ना। तो अब तो नरेंद्र मोदी सरकार को पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो अच्छा, आप बार बार मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो आप जरा मोदी जी की कुंडली के बारे में बताइए कि उनकी ग्रह दशा क्या करी। जैसे हम लोग अभी शनि की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शनि ही उनको बहुत फायदा देगा। मैं तो विपक्ष वालों को बोलूंगा कि मोदी जी की कुंडली के चक्कर में मोदी जी के परिवार के बारे में मत सोचें, वो अपनी कुंडली और अपना परिवार बचाएं। क्या पता मोदी का जादू कब चल जाए, उनका परिवार वाले उनके मोदी के करीब आ जाएं, क्योंकि मोदी एक खुद ही एक नक्षत्र है। आपने तो एकदम मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। तो आपके हिसाब से क्या, आप बार बार अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या आपके हिसाब से विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए इस बार। आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस बार विपक्ष का? विपक्ष का आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरी दुनिया को यह संदेश दे दीजिए, विपक्ष को पहले पछतावा होना चाहिए और अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि देश की जनता उनको नकार क्यों रही है और देश चाह क्या रहा, देश मांग क्या रही है, देश की सोच कहाँ है, वहाँ तक ये नहीं जा रहे। ये भाई भौदी हिंसा वाली बात उठाते हैं, यहाँ लड़ाई वाली बात वहाँ फालतू की बातें करते हैं। जो धारा है, जो विकास की धारा है, जो देश की जरूरत है, वहाँ विपक्ष बात नहीं करती है। क्या मैं विपक्ष की बात जो होनी चाहिए वो विकास की बात होनी चाहिए, विचारधारा की बात होनी चाहिए। विपक्ष क्या करता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, योगी जी का परिवार नहीं है, अब कल बोलेगा त्रिलोकीनाथ का परिवार है, उनका परिवार नहीं, ये सब। तो आपके हिसाब से जो लालू जी ने प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाया था या जो बातें उनके लिए कही थी, तो आपके हिसाब से वो सही नहीं है? लालू जी बुजुर्ग हो चुके हैं, लालू जी ने अपने जीवन काल में जो भी पाना था पा चुके हैं, वह अपना और अपने पूर्वजों का जो फल था वो चख चुके हैं। मैं लालू जी के बारे में, उनके विषय बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं देश की जनता की मूड की बारे में बताया। तो आप देख रहे हैं इस बार जब चुनाव, जब से ये चुनावी जब से हलचल शुरू हुई है, ये जो लोगों का अलग अलग पार्टियों से आना जाना ये सब चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि विचार से ज़्यादा बाजार हावी होता जा रहा है राजनीति पर? ये मैंने ट्वीट करके भी दिया है कि पहले संघ और बीजेपी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे इसलिए टिके रह गए क्योंकि वो जमीनी कार्य करके आए थे। आज जो बालू का दीवार बन रहा है वह कल बाढ़ में बह जाएगा। यह मैंने ट्वीट करके अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट कर चुका हूँ। लेकिन जैसा कि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े नेताओं के लिए या फिर जो मर्यादित पद पर लोग हैं, आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई का लगातार कुछ कुछ समन चल रहा है, तो कभी किसी को गिरफ्तारी किसी की हो रही है, तो विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये सोच समझ के किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब फालतू की बातें हैं। मैं जो न्यायपालिका है वो तो सही है, ईडी एक देश की एक एजेंसी है, उसके पास जब जब उस जिसकी खबर आ रही है जहाँ जहाँ भाई, हाँ देखो चोरी तो सब कर रहे हैं, जब जिसकी चोरी पता चला ईडी को वो खोल रहा है। अब ईडी का चोरी खोलने का मतलब ये कि मोदी जी अमित शाह कर रहे हैं, मोदी जी अमित शाह के पीछे जब 10 साल पहले, तो इसका मतलब कांग्रेस कर रही थी, ऐसा गलत बात नहीं गुरुजी? लेकिन क्योंकि आप बहुत ही खुल के बात कर रहे हैं इसलिए मैं भी आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे ये भी तो आरोप लग रहा है कि जो लोग बीजेपी में चले जा रहे हैं वो कौन से वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं कि पाक साफ हो जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई केस ही नहीं रह रहा है? कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, पूरे देश की मूड देखकर, जनता की मूड देखकर सब मोदी के साथ आ रहे हैं, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा। मन को एकदम साफ करने नहीं आ रहे ये लोग, अपने आप को सोच रहे ईडी से बचे, तो कोई ईडी से नहीं बचेगा, जो गलत किया है कोई न्यायपालिका से नहीं बचेगा, कुछ पल के लिए उनको लग रहा हो तो ऐसा गलत फहमी छोड़ दें। नहीं तो चलिए, आप बार बार आप ये कह रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में कई बड़े काम हुए हैं जैसा आप कह रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो और क्या कुछ बड़ा होगा उनके नेतृत्व में, और क्या चीज़ें होंगी? हम सनातन परिवार के लिए सबसे बड़ा दिवाली और सबसे बड़ा कांटा
जो हिंदू के लिए और हिंदू मुस्लिम के लिए जो कांटा था, मुसलमानों के लिए भी अच्छा हुआ और हिंदुओं के लिए भी अच्छा हुआ, एक कांटा दूर हो गया रामलला का। रामलला के नाम पे जो हिंसा हुआ और जो तपस्या हुई उसका आज भी बयां करना बहुत दुखद है। आपको नहीं लग रहा लेकिन कि धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ा जा रहा है, आपके हिसाब से कितना सही है वो? पहले अगर धर्म के साथ राजनीति नहीं थी, लेकिन आज मजबूरी हो गई। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगर धर्म ज्ञान नहीं देगा तो नकली लोग राजनेता बन के देश को खोखला कर रहे थे, तो उसको धार्मिक करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए या धार्मिक विश्वास दिलाने के लिए, भगवान से उनको जोड़ने के लिए यह सनातनमय और जो भगवाधारी आप देख रहे हैं देश में, विचारधारा जो चल रहा है इसीलिए चल। लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं इतना धार्मिक हिंसा विद्रोह पूरे देश में, पूरे विश्व में आपको दिख रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? कोई धार्मिक हिंसा नहीं है, सब ठेकेदार हैं, सब अपने को, सनातन धर्म एक ही है, उसमें से कुछ लोग अल्पसंख्यक बन गए हैं, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, लेकिन सनातन सत्य एक ही है, सत्य ही रहेगा। ये लोग उनके कुछ ठेकेदार लोग सोचते हैं ये नाम से हमारा जो दुकान चल रहा है इसको अगर हम लड़ाएंगे नहीं, भिड़ाएंगे नहीं तो हमारा दुकान नहीं चले। तो यानी आपके हिसाब से, एक बार मैं फिर से चाहूँगी आप बताइए कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें क्या, किस तरह का माहौल होगा? कोई विपक्ष की माहौल है ही नहीं। आप पूरे TRP देख लीजिए, देश की मूड देख लीजिए, इस अब की बार 400 पार, यही एक मूड है देश का। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि BJP का प्रचार करने आया हूँ आपके चैनल पर, ऐसा कोई बात नहीं है, यह देश की मूड बता रहा हूँ। विपक्ष को मंथन करना चाहिए, चिंतन और मंथन के बाद चुनाव लड़ना चाहिए, बस इतना उनको हमें सलाह दूंगा इस स्टूडियो से आपकी। आप बनारस के रहने वाले हैं, वैसे तो आप देश भ्रमण पे हमेशा रहते हैं लेकिन आप बनारस के रहने वाले हैं, कहीं वो कारण तो नहीं है कि मोदी जी के बारे में आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं? बनारस पहले भी बना हुआ रस की तरह है, हमेशा मीठा रहता है। बनारस के मूड की बात जो आपने बोला, बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रधानमंत्री का सौभाग्य है जो वहाँ से टिकट पा रहे हैं और वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो बाबा विश्वनाथ एक बार अगर कोई गलती करता है तो उसको डांट के भगा देते हैं, तो बाबा विश्वनाथ के शरणागत में है मोदी, इसलिए आज मोदी बचे। तो इंडिया गठबंधन जो है आपको नहीं लग रहा कि कुछ भी कर पाएगा? इंडिया शब्द लगा के वो लोग देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे, इंडिया गठबंधन ही नहीं था, वो सिर्फ घोटाला गठबंधन था। केजरीवाल जी को 8 बार समन जा चुका है, क्या लग रहा है आपको उनके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, क्या है उनके भविष्य में आने वाले समय में? केजरीवाल देश के एक सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनको दीमक लग गया और दीमक लगने के बाद वो भी भ्रष्टाचारी वाले की लिस्ट में आ गए, तो उनका गति वही जाने। अब करते हैं राम, कराते हैं राम, खाते हैं राम, खिलाते हैं राम, चलते हैं राम, चलाते हैं राम। अब वो राम के शरण में गए थे, प्रभु राम उनको बचाएं, वैसे कानून का साथ देना चाहिए उनको, ED में जाके अपने बात को रखनी चाहिए। तो कई बार ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जेल जाएंगे, जाना है। अच्छा, देश के दूसरे बड़े नेताओं में से किसके सितारे क्या उम्मीद जता रहे हैं? इस समय एक ही चेहरा है, दूसरे नेताओं का चेहरा इस मूड में नहीं है। ये जो मूड है, ये पूरे 2024 का मूड सिर्फ मोदी के मूड में, मानो तो ना मानो तो आप, अगर मानते हो तो साथ रहो, नहीं मानते हो तो लड़ते रहो, अपने समय को व्यर्थ करो। इस जो विपक्ष समय को व्यर्थ कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, लोगों को लालीपाप दे रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ कि अपना घर मत फूको, मोदी जी को नहीं रोक सकते हो। ये कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी साथ मिलके लड़ रहे हैं, कोई इनका ग्रह दशा और ग्रह नक्षत्र इन लोगों का अपने आप में बता रहा है कि ये लोग क्या कर पाएंगे। आप तो बहुत ही साफ तौर पर बड़े मुखर होके ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो भी है मोदी जी का ही समय है, और वो भी वही जो भी कमाल करेंगे मोदी जी ही करेंगे, एक ही चेहरा है बस, नरेंद्र मोदी को देश की मूड, जो मूड देश की मूड है वो मोदी है। अब देश की मूड को आप चेंज नहीं कर सकते तो मोदी को कैसे चेंज कर सकते? और
आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही बनेंगे। अरे वो तो कहने की बात ही नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे से लड़ रहे हैं। योगी जी की कुंडली भी आपने देखी होगी, उनकी कुंडली क्या कह रही है? योगी जी अभी काम कर रहे हैं यूपी में और एक अच्छा शासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी योगी जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और सब जो उत्तर प्रदेश की लाइन आर्डर है ना, मोदी योगी जी को इतना टाइट करने के बाद भी देखो आज उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले में आज भी एक हत्या हो गई बीजेपी नेता को, तो जो हत्या रुक नहीं रही उस पर विचार करना बहुत आवश्यक। ये आपने बहुत ही अहम बात कही, मैं इसी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ूंगी। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मतलब हर जगह इसी तरह का माहौल है, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इतना कन्फ्रंटेटिव माहौल हो गया है, ये क्यों हो रहा है और इसमें कब थोड़ी सी लगाम लगेगी या राहत मिलेगी? देश के अलग अलग हिस्से में जो अलग अलग राजनीतिक है, हर आदमी चाहता कुर्सी पाए और एक ही कुर्सी है, हर आदमी मतलब हर आदमी चाहता कि मैं बड़ा अमीर हो जाऊं, कल अंबानी हो जाऊं, टाटा हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग, मैं आज 16 साल से कांवड़ यात्रा किया हूं, उसके बाद से है संघर्ष कर रहा हूं, मैं किसी भी चैनल पे जाने के लिए इच्छुक नहीं रहता हूं, ये तो हमारी आप लोग का जो एक स्नेह था, प्यार था, इसलिए चैनल पे आया, मैं जल्दी नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे पब्लिक नहीं जानेगी तो आप जान के क्या करूँ, मैं उनके भावनाओं से जानना चाहता हूँ, उनको दुख दर्द में समझ। लेकिन यार ग्रह नक्षत्र ये कराते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा ही माहौल अभी रहेगा या इसमें कुछ सुधार होगा? नहीं नहीं, माहौल तो अच्छा है, माहौल में सुधार भी होगी, अस्वस्थ एक महीना सब रहेंगे तो उसमें यही जो भगवान सूर्य को रोज जल चढ़ाएगा और शिव जी के ज्योतिर्लिंग या लिंग पर जो जल चढ़ाएगा उसका ग्रह नक्षत्र आराम हो जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। पंडित जी आपने मोदी जी के बारे में तो बता दिया अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आने वाला उनका समय कैसा है? राहुल गांधी को कोई कुंडली और कोई वो नहीं है, यात्रा के नाम पर चल रहे हैं, यात्रा का संकल्प यात्रा क्या है उनको खुद को पता नहीं, उनके जो लीडर हैं, जो उनको उनके सलाहकार हैं, वो राहुल को सलाहकार दे रहे हैं कि वो राहुल उनको दे रहे हैं वो भी नहीं पता है। राहुल गांधी ये एक ऐसी व्यवस्था में चल रहे हैं कि आने वाले डिप्रेशन में वो फिर कहीं ना कहीं विदेश में जाके रहेंगे, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं, अन्यथा से नहीं बता रहा हूँ। देश की जनता, भारतवर्ष की जनता क्या चाह रही है? विकसित देश और शांति हमारे देश की मूल भाषा है और परिभाषा है। राहुल गांधी गांधी परिवार, जो पिछला गांधी परिवार था उससे विमुख हो चुका, और उसका रीजन ये है राहुल गांधी पितृदोष में है। अब राहुल गांधी मान लो मुसलमान खुश करना चाहते हो तो मुसलमान के भी नहीं है, हिंदू के हैं ही नहीं, तो और देश में हमारे हिंदू और मुसलमान हैं ज्यादा, वोट कौन करेगा उनको? तो इस पे चिंतन करें पहले तब यात्रा करें। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी का राजनीति में भविष्य है या नहीं? दो नाव वालों का कभी भविष्य नहीं रहा, तो राहुल गांधी दो नाव पे चल रहे हैं, कभी अपने आप को हिंदू बनाते हैं, कभी अपने आप को मुसलमान, तो अब तय करें। अब हिंदू सोचता है कि ये न मेरा है और मुस्लिम सोचता है न मेरा है, तो बीच में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। चलिए आप कांवड़िया सेना संगठन की बात कर रहे हैं, क्या आरएसएस से ये जुड़ा हुआ है? अच्छा पंडित जी, ये शक्ति साधना क्या है? शक्ति माँ हो, माँ हो मतलब माँ हो, मेरे शरीर में शक्ति विराजमान हो, तो शक्ति आप में है, शक्ति कण में है, शक्ति नेत्र में है, शक्ति जुभा पे है, तो शक्ति को स्वाद की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत, क्या कि अभी आपको क्या बोलना है, आगे क्या पूछेंगे, तो उससे पहले हमको जवाब देना है, ये शक्ति का ही एक ज्ञान है। आप इसके बहुत ही जानकार हैं, तो कब ये पूजा की जाती है, किस समय में की जाती है? भाव की पूजा 24 घंटा में कभी भी कर सकते हो, भाव अगर नहीं है तो 4 घंटा भी पूजा करोगे तो आपका पूजा फलित नहीं होगा। त्रेता युग से कांवरिया सेना संगठन, मैं तो एक
महादेव की कृपा पात्र हूँ। कांवड़ यात्रा की महिमा त्रेता युग से है और कार सेवक नहीं कांवरिया शहीद हुए थे, शहादत हुआ था, लोगों को बोलने नहीं आया बाद में कार सेवक कर, कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हम तो आपको यह बताना चाहते हैं, हम देश में काम करना, हमारे पिताजी भूतपूर्व सैनिक रहे, 16 मेडल लिए, चाइना पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, हम जाबाज के पुत्र हैं और सेना इसलिए देश में चला रहे हैं कि आफत आने पे हम लोग देश की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई, बहुत बहुत जय हो। जय श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।